गए तुम लोग? जी पापा। ए मूरख, हमने तुझे तेरी बहन से कुछ कहने के लिए कहा था। तूने कहा? लगता है वो हमारा साथ देंगे। शाबाश, पकड़ इसे। देखो, हमने चमत्कारी जल तैयार कर लिया है। अब तुझे यह जल अमृता को पिलाना है। उसके बाद अमृता को उस घर से निकालने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन बाबा, हमें नहीं लगता वो ये जल पिएगी। बाबा, वो तो चीजों में मिला हुआ जहर निकाल लेती है, वो तो तुरंत पहचान जाएगी इसमें जहर है। हम जानते हैं, इसलिए हमने अपनी सिद्धि से ऐसा जल तैयार किया है जिसमें जहर है ही नहीं। नागिन, तेरे पास हमसे बचने के 100 तरीके सही, लेकिन हमारे पास तुझे फंसाने के 1000 तरीके। भगवान, इतना बड़ा धोखा! ये अमृता वाकई एक नागिन है। हम इस पर इतना प्यार लुटा रहे हैं और ये हमें अपने भोलेपन के धोखे में रख रही है। अपने किसी स्वार्थ के लिए हमारी भावनाओं से खेल रही है। अगर अमृता नागिन है तो हमारे परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। वो कभी भी किसी को भी डस सकती है। कर रहे हो? समझ के हिला मत देना। जीजी सा, आहिस्ता बोलो। आहिस्ता, जीजी सा, प्रणाम जीजी सा। ये पानी ना, आप वो नागिन अमृता है ना, उसके दूध में मिलाकर उसे पिला देना। क्या है ये ना? मंत्रित जल है, बहुत बड़े बाबा ने दिया है। उन्होंने कहा है वो नागिन को घर से निकाल कर ही दम लेंगे। लो ना जीजी साहब, ले लो, पिला दो उसे। चलते हैं। चलो। इसलिए भावुक हो रहे हैं, ये लड़की नागिन है, इसे घर से निकालना ही होगा। अमृता, लीजिए दूध पी लीजिए।
सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। अब अमृता को हमसे कोई नहीं बचा सकता। एक बार वो नागिन हमारे कब्जे में आ गई, फिर वो मणि प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी वर्षों की तपस्या पूर्ण हो जाएगी। अपमान आज तुम्हारा होने वाला है नागिन। इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालती जाओगी। इतनी बार कोशिश करके हार चुके हो, पर अकेले ठिकाने नहीं आई तुम्हारे। एक बार और कोशिश कर लो। इस बार पराजय तेरी होगी नागिन। जय माता। क्या हो रहा है यहां पर? कौन है आप लोग? बंद कीजिए इसे। काका साहब। बेटा बेटा, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। साया है इस घर पे, पूरी शक्तियों का साया है, उसी को दूर करने आए हैं। इन बातों में यकीन नहीं है, आप जा सकते हैं। रुक जाइए विक्रम, इन्हें हमने बुलाया है। ये बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक है। ये जो कुछ भी करेंगे उसी में हमारी भलाई है। पर बुआ साहब, हमने जो कह दिया सो कह दिया। बाबा जय महाकाल। कुछ नहीं कर पाएगा तांत्रिक, मेरे साथ मेरी माँ है। उन्होंने गुफा की दूध से मेरे आसपास रक्षा कवच बनवा दिया है। Thank you.
इस बार पराजय तेरी होगी नागिन। Nagin, what? देख लेते इन सबको तेरा असली रूप। अमृता, नागिन है? हाँ, और कोई भी नागिन इंसानों के बीच तब आती है जब उसका कोई स्वार्थ होता है, वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये नागिन भी आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। नहीं माँ, ये गलत है। इस दुष्ट की बात मत सुनिए। पिताजी, ये आदमी झूठा है। आप चिंता मत कीजिए, नागिन को काबू में करना हमें अच्छी तरह आता है। अब ये नागिन आपके घर में नहीं, हमारे पिटारे में रहेगी। चल नागिन। नहीं माँ, रोकिए इसे, हमें अपने आप से अलग मत होने दीजिए। अब तेरे ये घड़ियाली आंसू किसी काम के नहीं है नागिन, हमारे साथ चल। माँ, पिताजी, ये सच है कि हमने अपनी असलियत छुपाई, मगर हमारे प्यार में कोई खोट नहीं है। आपके साथ और प्यार ने हमें कमजोर बना दिया था। मन में एक डर सा बैठ गया था कि सच्चाई बताने के बाद आप हमें अपने आप से अलग कर देंगे। अपनी बेटी को इस दुष्ट के हवाले मत करो माँ। माँ, हम जानते हैं कि आप अपनी अमृता से बहुत प्यार करते हैं, कि आपकी ममता इतनी कमजोर है कि हमारे नागिन होने की एक सच्चाई ने इसे मिटा दिया।
हम आपकी बेटी है माँ, ये रिश्ता उतना ही सच है जितना सच हमारा इच्छाधारी नागिन होना है। शायद इसलिए आपका दिल पत्थर हो गया है माँ, क्योंकि आपने मुझे जन्म नहीं दिया। काश आपने हमें जन्म दिया होता। जा रहे हैं माँ, और हाँ, हम अपने आप को इस दृश्य से बचाने की भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं माँ कि एक बेटी का प्यार जीतता है या एक माँ की ममता।